हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है पैराग्राफ वाला सम और एंट्री वाला, राइट? तो आपको भी मालूम है कि सम कैसा है, बहुत घुमा फिरा के रहता है। तो अभी इसको अपन प्यार मोहब्बत में सीखेंगे, समझेंगे। डिबेंचर मतलब कर्जा होता है, रिडेम्पशन मतलब कंपनी इसको रिटर्न करती है। तो कंपनी के पास टोटल 5,000 डिबेंचर है, कितना है? 5,000 डिबेंचर है। और कंपनी 5,000 को 3 टुकड़े में दे रही है। कितने टुकड़े में? पहले ऑप्शन को 1500 दे रही है, फिर दूसरे ऑप्शन को 1500 दे रही है, फिर 2000 दे रही है। तो हो गया 5,000 डिबेंचर 3 स्टेप में। तो पहले 1500 को क्या किया उन्होंने? गूगल पे किया। दूसरे 1500 को फोन पे किया। तीसरे 2000 को पेटीएम किया। तो मैंने तीन ऑप्शन इसके बोला क्योंकि पहले वाले को प्रेफरेंस शेयर दे रहे, दूसरे को डिबेंचर दे रहे, तीसरे को रोकड़ा दे रहे। और देखो, इधर 1500 डिबेंचर लिखा है कि 1500 रुपीज लिखा है, मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा। इसको भी इंटू 100 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 100 करना। कभी कभी कैसे 1500 दिया रहेगा, थर्ड वाला नहीं दिया रहेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, 500 से माइनस करेंगे तो बैलेंस मिल जाएगा। और ये वाला सब में जो मैंने इसके पहले भी सॉल्व किया, इसमें रुपीज दिया, क्या दिया है? मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके। ये दोनों को ऐड करेंगे, 600,000 से माइनस करेंगे तो थर्ड वाला मिल जाएगा। पर अपन ये वाला कर रहे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिबेंचर की एंट्री डालो। किसकी एंट्री डालो? डिबेंचर की। तो डिबेंचर की एंट्री क्या, रिडेम्पशन में सबसे पहले तो डेट डाल देंगे, वही 2013 डाल दो क्योंकि और ईयर एंड हो रहा है ना, तो ईयर एंड में डाल देंगे। तो लिखेंगे 12% डिबेंचर। क्या लिखेंगे? 12% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर आ रहा है। कंपनी इस पर क्या दे रही है? प्रीमियम। क्या दे रही है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और किसको पैसा दे रही है? डिबेंचर होल्डर। किसको दे रही है पैसा? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर, तो बींग डिबेंचर रिडेम्पशन ड्यू। तो अभी क्या करने का है, कंपनी कितना डिबेंचर को रिटर्न कर रही है? 5,000 इधर दिया है, देखो 5,000 डिबेंचर है। और एक डिबेंचर कितने का होता है? 100 रुपये का। तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,00,000। 5,00,000 तो देना ही है, सिंपल। अब 5,00,000 पे प्रीमियम भी देना है, एक्स्ट्रा पैसा, 6 पानी पूरी पे 1 सुक्का। तो कितना प्रीमियम है? 5%। तो 5% प्रीमियम, दैट इज 25,000। तो टोटल कितना पेमेंट करना है? 5,25,000। तो इसको देख के तुम्हारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फर्स्ट एंट्री। तो डिबेंचर्स का कितना अमाउंट है? 5,00,000 डेबिट। प्रीमियम कितना देने का? 25,000 डेबिट। कुल मिला के कितना देने का? 5,25,000। किसको देने का? डिबेंचर होल्डर को। तो बींग अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन, बींग अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन। अब इसके बाद मेन एंट्री क्या है ना, तो अपन डिबेंचर को तीन तरीके से पैसा दे रहे हैं ना, तीन रस्ते से दे रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे अभी, इधर हर एंट्री में डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर दो। किसको डेबिट कर दो? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। समझाता हूँ क्या आएगा क्रेडिट में। फिर लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू। फिर इधर क्या लिखेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि उनको मिल रहा है इसका डेबिट किया ना। तो पहले ऑप्शन को क्या दे रहे? प्रेफरेंस शेयर दे रहे। क्या दे रहे? मतलब पहले 1500 वालों को ऑप्शन वन दे रहे हैं, उनको सेटलमेंट क्या दे रहे? 14% प्रेफरेंस शेयर 10 का 12 में दे रहे। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर 10 का 12। दूसरे वाले को डिबेंचर दे रहे 100 में, और तीसरे वाले को रोकड़ा दे रहे। क्या दे रहे? रोकड़ा, कैश बोला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, इधर सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, इधर थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। ये वाला सॉल्व करके इधर आएगा, ये वाला सॉल्व करके इधर आएगा, ये वाला सॉल्व करके इधर आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कितने का कितने में दे रहे हैं लोग? 10 का 12 में, 10 का 12 में। तो एक्स्ट्रा कम दे रहे कि ज़्यादा दे रहे? ज़्यादा। तो 2 रुपया ज़्यादा हो गया, प्रीमियम बोलेंगे। तो पहले क्या करो, नॉमिनल वैल्यू लिखो। तो ऑप्शन वन को कितना दे रहे? 1500 डिबेंचर। कितना दे रहे? 1500। ऑप्शन टू को भी 1500, और ऑप्शन सी को 2000। 1500 1500 2000। तो पहले ये 1500 को लिखेंगे ऐसा, नॉमिनल वैल्यू इंटू 100 करेंगे। मतलब ऑप्शन वन को 1.5 लाख रुपया दे रहे, कितना दे रहे? 1.5 लाख। और 1.5 लाख पे क्या ऐड करने का? प्रीमियम। प्रीमियम सब में कितना है? 5,000। सब में पहले प्रीमियम ऐड करना, फिर कैलकुलेशन करना प्रीमियम ऐड करके फिर। तो 1,500,000, 1.5 लाख पे कितना परसेंट प्रीमियम दे रहे? 5%। तो 7,500 आएगा। तो टोटल ले लेंगे तो कितना आएगा? 1,57,500। तो इतना अमाउंट किसको दे रहे हम लोग? ऑप्शन वन को दे रहे। कितना दे रहे? 1.5 लाख प्लस प्रीमियम। तो कितना दे रहे? 157,500 दे रहे, सिंपल इधर तक। और कितने का शेयर कितने में इश्यू कर रहे? 10 का 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे। अगर 20 का 25 में रहेगा तो 25 से डिवाइड करेंगे, और 100 का 110 में रहेगा तो 110 से डिवाइड करेंगे। तो 1,57,500 अमाउंट है डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय क्या क्या है? 12। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 13125। कितना हो गया? 13125। ये नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। तो डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या दिया जा रहा है? तो डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है और प्रेफरेंस शेयर जा रहा है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट किया।
और एक्स्ट्रा पैसा लिया इसके लिए आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितना डिबेंचर्स होल्डर को कितना प्रेफरेंस दे रहे? 1-3, 1-2-5। तो प्रेफरेंस शेयर कितने का था मालूम है क्या? 10 का था। कितने का था? 10। एक्स्ट्रा कितना दिया? 2। और टोटल कितना देने का है? 12, है ना। 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर किया विद प्रीमियम लिया, टोटल 12 दे रहे ना। अब मल्टीप्लाई करके अमाउंट क्या कर देंगे? अपन डाल देंगे, राइट। तो इधर आएगा 1-3-1-2-5-0 और इसको डबल कर देंगे 26,250। ये दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 157,500। ये हो गया सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन 1। अभी किसको सेटल करेंगे? ऑप्शन 2 को। उनको भी कितना दे रहे? 1500 डिबेंचर दे रहे। और उनको क्या दिया मिठाई में? इधर काजू कतली दिया, इधर रसगुल्ला दिया, राइट। तो मतलब कैसे दिया? 15% डिबेंचर ऑफ 100 एट पार। डिस्काउंट मतलब कम। अगर मान लो डिस्काउंट दिया रहता 96 तो 96 से डिवाइड करते हैं। तो पहले लिखेंगे 1500 डिबेंचर दिया उनको, इनको भी 1500 ही दिया इनटू 100, तो 1.5 लाख तो देना ही था उनका। और प्रीमियम कितना परसेंट था? 5। ऐड करना नहीं भूलना। तो 7,500, तो 157,500, तो 1,57,000 अमाउंट पे कर रहे हैं। और कितने का दे रहे? 100 से। तो इसको डिवाइड करके इतना आएगा 1575 डिबेंचर्स। तो सेकंड वाले को क्या दे रहे? इधर को तो प्रेफरेंस शेयर दिया, इसको क्या दिया? इसके लिए इधर डिबेंचर्स आएगा। क्या आएगा इधर? डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर से सेटिस्फाई किया, खुश किया, राइट। नाम लिखने का 15%, क्योंकि 15% नाम था। कितना डिबेंचर दिया? 1575। तो इधर लिखेंगे 1575। कितने का दिया? 100 का। तो 1575,00, 1575,00, ठीक है, 1575,00। तो डिबेंचर होल्डर को कैसे खुश किया? डिबेंचर्स देखे। और थर्ड वाले को कितना डिबेंचर दिया? 2000। तो 2000 को किससे करेंगे? 100 से करेंगे, तो 2 लाख आई। और प्रीमियम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 10,000 हो जाएगी। तो टोटल कितना देखा है? 2,10,000। तो कैसे दिया उनका? रोकड़ा। ये गांव वाले, उनको कैश चाहिए। क्या चाहिए? तो उनका सेटलमेंट कैश से हुआ। तो इधर लिखेंगे 2 बैंक। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट उठा के लिख देंगे ना 2,10,000। क्या लिख देंगे? इधर डिवाइड नहीं करने का, डायरेक्ट हाथ में तमा दे लेके जाओ, शर्मा मत। तो 2,10,000 इनको दे दिया। तो क्या हुआ? डिबेंचर्स रिटर्न कर रहा था, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। उस पर प्रीमियम देने का था टू डिबेंचर होल्डर। फिर डिबेंचर होल्डर को डेबिट किया, उसको प्रेफरेंस शेयर दिया विद प्रीमियम, उसको डिबेंचर से सेटल किया, उसको कैसे सेटल किया? एक एक को सॉल्व करके इधर लिख दिया ना मैंने। अब अपने को प्रीमियम पे करना है। क्या पे करना है? प्रीमियम कितना है? 25,000। प्रीमियम कितना है? 25,000। इसकी एंट्री कैसे बनेगी? डेबिट है। किधर? ये डेबिट को किधर डालने का? क्रेडिट में। रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में सीखा रहेगा तुमने। डेबिट तो किधर आएगा? क्रेडिट। इधर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देखा था? 25। तो ये रिडेम्पशन का अमाउंट कहाँ से सेटल करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। कहाँ से पे करेंगे? इधर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 25,000, ये भी टेंशन खत्म। 25,000 सेटल कर दिया। क्या कर दिया? सेटल। कहाँ से सेटल किया? सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी ना अपने को सेबी गाइडलाइन के हिसाब से क्या करना है? मालूम अमाउंट ट्रांसफर करना है। क्या करना है? इधर देखो एक वर्ड आया सेबी रेगुलेशन। क्या वर्ड आया? तो अपने को ना हर मतलब क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर मतलब जो कर्जा दे रहे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करना पड़ेगा? कितना किधर कहाँ करना पड़ेगा? जर्नलिज्म। जो कमाया है वो यहाँ जमा करना पड़ेगा, राइट। तो कितना परसेंट जमा करना पड़ेगा? जो भी कैश का अमाउंट है ना, कौन सा अमाउंट? कैश का, उसका 50% लेने का है। तो कैश का नॉमिनल वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? तो कैश का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 2 लाख। उसका 50% लेंगे। कितना लेंगे? 1 लाख। तो 1 लाख कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस से जर्नलिज्म। अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता ना सेबी, ये लाइन नहीं लिखा रहता तो भी एंट्री यही आती, प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व। और अमाउंट पूरा कैश का था 2 लाख। कितना आता अमाउंट? 2 लाख। अभी 50% क्यों लिया? क्योंकि सेबी का रूल बोला। किसका रूल बोला? सेबी का। तो ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड है ये? कन्वर्जन मेथड। सिंकिंग फंड वाला नहीं था, राइट, कन्वर्जन था। ऐसा घुमा फिरा के आएगा तो अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।